नमस्कार दोस्तों, हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, और डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा हो रहा है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। हमने कुछ आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा था, जो मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ा था दोस्तों, और हमने बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने सेल के बारे में डिटेल में पढ़ा था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, सेल वॉल के बारे में पढ़ा था दोस्तों। तो इस तरीके से हमने सेल वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दोस्तों रिप्रोडक्शन इन प्लांट हम पढ़ा चुके हैं पहले, तो आज हम पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन एनिमल में कैसे होता है। दोस्तों रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने समान गिव राइज करता है। क्या? यंग वंस सिमिलर टू इट सेल्फ, मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने समान यंग वंस को जन्म देता है, उसे ही कहते हैं रिप्रोडक्शन। दोस्तों रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों क्या होता है, फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन याद रखिएगा कि फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, उससे जाइगोट बनना ही कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों अभी हमने बताया मेल गैमेट, तो मेल गैमेट दोस्तों हमको कहाँ से मिलते हैं और फीमेल गैमेट्स हमको कहाँ से मिलते हैं। तो इसके लिए हम डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसके पास देख रहे हैं आप एक पेयर क्या है, एक पेयर टेस्टिस है और दो स्पर्म डक्ट, ये आप देख रहे होंगे दो स्पर्म डक्ट, ये भी स्पर्म डक्ट है और एक पेनिस होता है। दोस्तों ये जो टेस्टिस होती है इसमें क्या होते हैं, इसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं। हर एक टेस्टिस के पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट में एक से तीन सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती है। दोस्तों ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती है ये लाइंड होती है दो टाइप ऑफ सेल से, एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है मेल जर्म सेल या इसे कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। दूसरा होता है सर्टोली सेल जो प्रोवाइड करता है क्या, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये स्पर्म को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये स्पर्म को। तो दोस्तों ये जो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया है कहाँ जाता है, मियोटिक डिवीजन में, और इससे क्या होता है, इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब ये मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिवीजन में जाता है तो इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमने बताया था कि मेल गैमेट्स क्या होता है, मेल गैमेट्स के रूप में ह्यूमन में स्पर्म ये मेल गैमेट्स का काम करता है, तो हमें पता चल गया मेल गैमेट्स हमको कैसे मिलता है। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे ये ह्यूमन स्पर्म का स्ट्रक्चर है, तो ये इसका हेड है, ये इसका मिडिल पीस है और ये इसका टेल है। जो दोस्तों इसका हेड है, इसके पास क्या होता है, हेड के पास क्या होता है, हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। इसके पास एक हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है जो हेड का एंटीरियर पोर्शन आप देख रहे होंगे कैप लाइक स्ट्रक्चर से ढका, इसे कहते हैं एक्रोसोम। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन एंजाइम पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, जो हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। और जो दोस्तों मिडिल पीस होता है इसके पास बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है मिडिल पीस के पास, जिससे जो है क्या प्रोवाइड करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है टेल के मूवमेंट के लिए। तो इस तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जो है स्पर्म मूव करता है। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या होता है दोस्तों। तो इसके पास ओबेरी होती है, पेयर ऑफ ओबेरी होती है, आप ये देख रहे होंगे एक ये है और एक ये है। और इसके पास क्या होता है ओबीडक्ट होता है, ये आप देख रहे होंगे ये ओबीडक्ट है, इसे हम फैलोबियन ट्यूब भी कहते हैं, इसे हम फैलोबियन ट्यूब भी कहते हैं। और ये एक ये यूट्रस का पार्ट है, ये यूट्रस का पार्ट है इसका। तो दोस्तों जब ओबेरी, ये हमने बताया ये ओबेरी है, ओबेरी से क्या रिलीज होता है एग रिलीज होता है। और जो फेलोबियन ट्यूब होते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं, ये पास वाला पार्ट यूट्रस के स्थमस होता है, स्थमस होता है, ये वाला रीजन एम्पुला होता है, ये वाला रीजन इनफंडिबुलम 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 होता है दोस्तों। और इसमें आप देख रहे होंगे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम फिम्बरी कहते हैं दोस्तों। जब ओवेरी से एग रिलीज होता है तो ये फिम्बरी जो होती है वो एग को कैप्चर कर लेती है, उसके बाद एग कहाँ जाता है, उसके बाद एग पहुँचता है एम्पुला वाले रीजन में, एम्पुला वाले रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन एम्पुला वाले रीजन में होता है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन एम्पुला वाले रीजन में होता है इसके बाद। और दोस्तों जो यूट्रस होता है जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन 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 होता है एम्ब्रियो का, फर्दर डेवलपमेंट के लिए इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद क्या होता है फर्दर डेवलपमेंट इसमें चलता रहता है, फिर जब उसके एग सारे आर्गन डेवलप हो जाते हैं इसके बाद फुल्ली डेवलप फिटस का जो है जन्म होता है। दोस्तों फर्टिलाइजेशन के बारे में अभी हमने बताया कि फ्यूजन होता है एग और स्पर्म का, से जाइगोट बनता है, इसे ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। दोस्तों यदि फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो, अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है ह्यूमन, ह्यूमन इसका एग्जांपल है, काऊ है, काऊ है, डॉग है, डॉग है और हेन है, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ही है दोस्तों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब है दोस्तों फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये मिलता किस में है दोस्तों, ये फ्रॉग में मिलता है, फिश में मिलता है और स्टार फिश में मिलता है। तो दोस्तों इन दोनों के एग्जांपल याद रखिएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं और किस में होता है। अब हम पढ़ेंगे आईवीएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, सिमिलर कंडीशन उसको प्रोवाइड करते हैं जैसे बॉडी में कंडीशन होती है, सेम कंडीशन उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है उस एम्ब्रियो का क्या है, उस एम्ब्रियो का ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसे ही कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। दोस्तों इसमें ओबा किससे लेते हैं, ओबा ओबा उसकी वाइफ से ले सकते हैं। अगर वाइफ को अच्छा ओबा नहीं बन रहा है तो हम किसी डोनर से लेते हैं ओबा। और इसके बाद जो है स्पर्म, स्पर्म किससे लेते हैं दोस्तों, स्पर्म या तो हस्बैंड से लेंगे, अगर उसको अच्छा स्पर्म नहीं बन रहा होगा तो हम डोनर से लेंगे स्पर्म।
तो इस तरीके से ओवा या तो वाइफ से लिया या डोनर से लिया, इसी तरीके से स्पर्म या तो हस्बैंड से लिया या डोनर से लिया, फिर इसको बॉडी के बाहर सिमिलर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं हम लेबोरेटरी में, फिर इनका फ्यूजन करवाते हैं, इसके बाद इससे बनता है जाइगोट। जब ये जाइगोट क्या होता है 4 से 8 सेल का हो जाता है, तो फिर इसके बाद हम इसको कहाँ इम्प्लांट कर देते हैं, इसके बाद हम इनको, अभी हमने बताया था फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, वहां ले जाके इसको ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसे ही कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है दोस्तों, अभी हमने बताया था जो ओबेरी होती है जब उससे एग रिलीज होता है उसे ही कहते हैं ओविलेशन। ये हर मेंसुरेशन साइकिल के 12 to 14 डेज पे होता है, तो 12 to 14 डेज पे जो ओबेरी से एग निकलता है उसे ही हम क्या कहते हैं ओविलेशन। तो जो ये फिमरी होती है, फिमरी ये पकड़ लेती है एग को, उसके बाद ये इसका क्या है, ये इसका एम्पुला वाला रीजन है दोस्तों। एम्पुला वाले रीजन में ही क्या होता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग और स्पर्म का। इसके बाद फिर यहाँ से जो है माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि सेल की संख्या बढ़ रही है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, इस तरीके से 16 सेल। फिर ये क्या होता है ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये यूट्रस में जाके इस तरीके से इम्प्लांट हो जाता है। आप ये देख रहे होंगे यूटेराइन वॉल है, फिर ये डेवलपिंग एम्ब्रियो इसमें इम्प्लांट हो जाता है दोस्तों। जब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है तो 2, 4, 8, 16 इस तरीके से डॉटर सेल बन जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। जो ये सेल बन रही है 2, 4, 8, 16, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो दोस्तों जो ये एम्ब्रियो होता है जब वो 8 से 16 सेल का हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम मारूला कहते हैं। ये मारूला कॉन्टिन्यू डिवाइड करता है और क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। फिर ये ब्लास्टोसिस्ट कहाँ मूव करता है दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे ये मूव कर रहा है, ब्लास्टोसिस्ट ये मूव करता है यूट्रस की तरफ और दो लेयर में डिवाइड हो जाता है, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर क्या होती है, ये लेयर यूट्रस से अटैच हो जाती है और जो इनर सेल मास होता है इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। दोस्तों ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है कि बीवी पैरस एनिमल किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें बीवी पैरस एनिमल कहते हैं। इसमें मैमल्स आते हैं। ओवी पैरस उसे कहते हैं दोस्तों जो अंडे देते हैं उन्हें ओवी पैरस एनिमल कहते हैं। इसमें क्या आता है, हमारी हेन आती है, फ्रॉग आता है, लिजार्ड आता है और बटरफ्लाई, ये सब क्या है, ओवी पैरस एनिमल है। इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि लार्वा का एडल्ट में चेंज हो जाना, अचानक ड्रास्टिक चेंज की वजह से लार्वा का एडल्ट में चेंज होना ही क्या कहलाता है दोस्तों, मेटामॉर्फोसिस। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए जो सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल होती है, इसमें एग से क्या होता है, लार्वा बनता है। इसका लार्वा क्या होता है, कैटरपिलर होता है इसका लार्वा। फिर लार्वा से क्या बनता है दोस्तों, प्यूपा बनता है। प्यूपा से क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है। इसी तरीके से दोस्तों फ्रॉग होता है, फ्रॉग के एग से उसका लार्वा बनता है, लार्वा टैडपोल बनता है। फिर ये लार्वा चेंज किस में हो जाता है, ये लार्वा चेंज हो जाता है एडल्ट में, इसे ही कहते हैं मेटामॉर्फोसिस।
दोस्तों अभी हमने बताया था रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोस्तों अब हम टाइप पढ़ेंगे, इसमें दो है बडिंग। बडिंग किसमें पाया जाता है? बडिंग टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में। पिछली क्लासेस में हमने क्या बताया था? हमने बताया था बडिंग ईस्ट में भी होता है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे स्मॉल बल्ज लाइक ये सब स्ट्रक्चर, ये जो बल्ज सब निकले हुए हैं हाइड्रा में, जो ये बल्ज निकलते हैं दोस्तों, इन बल्ज को ही क्या कहते हैं? बड कहते हैं। और हर एक बड से क्या होता है? हर एक बड से नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। तो हाइड्रा में क्या होता है? बहुत सारी बल्जिंग निकलती है उसकी मेन प्लांट बॉडी से, इसे क्या कहते हैं? इसे बड कहते हैं। और एक हर हर बड से नए इंडिविजुअल का विकास होता है। दोस्तों बाइनरी फिजन किसमें पाया जाता है? बाइनरी फिजन पाया जाता है अमीबा में। दोस्तों अमीबा में क्या होता है? अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो पहले डिवाइड करता है दो न्यूक्लियाई में, इसके बाद इसकी मेन प्लांट बॉडी ये भी डिवाइड कर जाती है दो में, और हर एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है तो एक एक न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो हर एक पार्ट से जिसमें न्यूक्लियस है उससे नए इंडिविजुअल का विकास होगा। दोस्तों बाइनरी फिजन के लिए ये जरूरी हो कि उसी से जो है नए इंडिविजुअल का निर्माण होगा जिसके पास न्यूक्लियस हो। तो आप देख रहे होंगे ये अमीबा की मेन प्लांट बॉडी है, इसका न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, फिर ये सेल जो है डिवाइड कर जाती है और हर एक सेल एक एक न्यूक्लियस लेके अलग हो जाती है। इसके बाद हर एक पार्ट से क्या होता है? नए डॉटर सेल का जन्म हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे दो डॉटर अमीबुली बन रही हैं, ये चेंज हो जाएंगी एडल्ट अमीबा में। दोस्तों क्लोनिंग क्या है इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। तो क्लोनिंग का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी बनाना किसी लिविंग पार्ट से या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म से, तो उसे ही हम कहते हैं क्लोनिंग। तो दोस्तों ये क्लोनिंग जो हुई थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसको सबसे पहले किया था लॉन विल्मट और उनके साथियों ने। किस पे की थी क्लोनिंग? उन्होंने सबसे पहले क्लोनिंग की थी सीप की, और उसका नाम क्या दिया था? उसका नाम उन्होंने डॉली दिया था। तो ये डॉली कब पैदा हुई थी? 5 जुलाई 1996 में सबसे पहले क्लोनिंग हुई थी, 5 जुलाई 1996 में वॉन विल्मट और उनके साथियों ने की थी, और उन्होंने क्या बनाया था? सीप की क्लोनिंग की थी और उसका नाम दिया था डॉली। तो इस तरीके से ये डॉली क्या थी? फर्स्ट मैमल थी जिसे जिसे क्लोन किया गया। तो फर्स्ट मैमल जो जिसकी क्लोनिंग हुई वो क्या थी? वो डॉली थी, जो एक सीप से उसकी क्लोनिंग की गई थी। तो अब हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे? एडोलसेंस या किशोरा अवस्था किसे कहते हैं? तो पीरियड ऑफ लाइफ जिसमें बॉडी में क्या होते हैं? ऐसे चेंज होते हैं जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ हमको ले जाते हैं, यौन परिपक्वता की तरफ, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? किशोरा अवस्था कहते हैं। ये प्रारंभ कब होती है दोस्तों? ये स्टार्ट हो जाती है 11 साल से, और एंड कब होता है किशोरा अवस्था का? 18 से 19 साल की एज पे। अब दोस्तों प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी का मतलब है कि जब किशोरा अवस्था प्रारंभ हो जाती है तो उस दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो जो ये चेंजेस होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कब एंड होती है दोस्तों? जब किशोरा अवस्था क्या होती है? किशोरा अवस्था पहुंच जाती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे, तो जो है इस प्यूबर्टी का हमारे एंड हो जाता है। तो दोस्तों इस प्यूबर्टी या यौनावस्था के दौरान कौन कौन से चेंज होते हैं? पहला चेंज दोस्तों
क्या है, हाइट में इंक्रीज करना। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो सडन इंक्रीज होता है हाइट में। इस टाइम क्या होता है, जो लॉन्ग बोन होती है हमारे आर्म और लेग की, वो इलांगेट हो जाती है और पर्सन को टॉल बनाती है। दोस्तों ये जो एज होती है उस टाइम बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो आपकी हाइट क्या है अफेक्टेड हो सकती है। क्योंकि मांसपेशियों को वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषक चाहिए है, इसलिए हम बैलेंस डाइट उस समय जरूर प्रेफर करते हैं। दूसरा चेंज क्या है दोस्तों, चेंज इन बॉडी शेप। तो जो बॉयज होते हैं दोस्तों, उनका क्या होता है, उनका शोल्डर चौड़ा होता है और चेस्ट भी चौड़ा होता है। कब, प्यूबर्टी की एज पे, क्योंकि क्या है उसमें ग्रोथ हो रही है। लेकिन जो गर्ल होती हैं उनका जो कमर के नीचे वाला भाग चौड़ा होता है, तो ये दोनों डिफरेंस है बॉयज और गर्ल्स में। तो ये चेंज आता है उनकी बॉडी के शेप में। दूसरा क्या है, आवाज़ में चेंज आना। दोस्तों जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स को ये शुरू हो जाता है ग्रो करना। बॉयज में क्या होता है, बॉयज में जो ये वॉइस बॉक्स होता है बहुत लार्जर होता है। तो जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्स है बॉयज में, ये क्या होता है, प्रोट्यूजिंग पार्ट के तरीके से थ्रोट पे दिखता है, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है, कभी कभी लड़कों में क्या होता है, लड़कों में जो लैरिंग्स हैं इनकी पेशियों में, लैरिंग्स की पेशियों में क्या है दोस्तों, अनियंत्रित वृद्धि होती है, जिससे क्या होती है, उनकी आवाज़ फटने लगती है। लेकिन यह स्थिति कुछ दिनों बाद क्या होती है, यह स्थिति कुछ दिनों तक बनी रहती है, उसके बाद यह स्थिति नॉर्मल हो जाती है। तो हम देख लेते हैं एडम्स एप्पल क्या है दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे, ये जो है, ये जो दिख रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं इस वाले पोर्शन को एडम्स एप्पल। ये कुछ बॉयज में तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है दोस्तों। लेकिन जो गर्ल होती हैं, जितनी भी गर्ल होती हैं, उसमें ये बहुत हार्डली विजिबल होता है। जो ये एडम्स एप्पल है गर्ल्स में क्या होता है, बहुत हार्डली विजिबल होता है। क्यों, क्योंकि इनके पास जो होता है वॉइस बॉक्स, इसकी साइज लैरिंग्स की बहुत छोटी होती है जनरली गर्ल्स में। और गर्ल्स में जनरली क्या होता है दोस्तों, गर्ल्स में जनरली इनकी पिच बहुत हाई होती है, जबकि बॉयज की क्या है, बॉयज की बहुत डीप पिच होती है। तो दोस्तों ये सब डिफरेंस है कि चेंज हाइट में हो रहा है, उनके बॉडी शेप में हो रहा है और उनकी वॉइस में हो रहा है। ये नोट दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, वो अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती हैं, इसलिए उन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, ऑयल ग्लैंड और सेलेवरी ग्लैंड, ये अपना सिक्रिजन डक्ट के थ्रू रिलीज करती हैं। तो इसका कहने का मतलब है, सारी ग्लैंड डक्टलेस नहीं होती हैं, बस एंडोक्राइन की ग्लैंड के बारे में ध्यान देना है कि ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती हैं। अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। जब प्यूबर्टी होती है तो मेल सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस होता है और पेनिस होता है, उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। जबकि गर्ल में क्या होता है, ओवरी लार्ज हो जाती है और मैच्योर हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, जब मैच्योर हो जाती है तो ओवरी से मैच्योर एग जो है रिलीज होने लगते हैं। ये जो एग निकल रहे हैं, ये हर एक साइकिल में, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग निकलता है दोस्तों। हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग निकलता है, वो किसी भी ओवरी से हो सकता है। अगर राइट से एग रिलीज हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम वो लेफ्ट से होगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है।
इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या होते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर वो करेक्टर होते हैं जिनकी सहायता से हम मेल और फीमेल को अलग कर लेते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। दोस्तों जो चेंज आता है किशोरावस्था में वो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टी से रिलीज होता है प्यूबर्टी के टाइम, जो बॉयज में चेंज करवाता है। जैसे उस टाइम क्या होता है प्यूबर्टी में, बॉयज में जो फेशियल हेयर होता है उनका ग्रोथ होने लगता है। तो ये फेशियल हेयर का ग्रोथ कौन सा हार्मोन बॉयज में करवाता है, तो बॉयज में टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन फेशियल ग्रोथ करवाता है और ये रिलीज होता है टेस्टी से, और ये रिलीज किससे होता है दोस्तों, ये टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में जब प्यूबर्टी आती है तो उसकी ओबेरी क्या प्रोड्यूस करती है, फीमेल हार्मोन या एस्ट्रोजन। इस फीमेल हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये दोनों डिफरेंस है कि मेल और फीमेल को कैसे अलग करोगे सेकेंडरी सेक्सुअल के करेक्टर पे, हम उनको अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने प्यूबर्टी को बाद थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेज आते हैं उसको पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर क्या होते हैं। तो दोस्तों यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।